समस्तीपुर में ईओ को थप्पड़ मारने वाले सफाई कर्मी की संदिग्ध मौत। पुलिस पिटाई से बिगड़ गई थी तबीयत, पीएमसीएच में इलाज के दौरान गई जान। बदमाशों ने घर में घुसकर महिलाओं के फाड़े कपड़े, बेगूसराय में रंगदारी नहीं दिया तो बदमाशों ने घर में घुसकर की मारपीट, चार घायल। सीसीटीवी से बचते हुए चोरों ने लाखों का सामान उड़ाया, खगड़िया में दो चचेरे भाई की दुकान पर हुई चोरी, 1.5 लाख के सामान ले उड़े। नालंदा में नानी नातिन को बाइक ने मारी टक्कर, सड़क पार करने के दौरान बाइक ने मारी ठोकर, विम्स अस्पताल में भर्ती। पटना के सड़कों पर नकली कृष्ण अर्जुन, सड़कों पर तेज प्रताप तेजस्वी के विम्स पोस्टर लगे, लालू के लिए लिखा आप हमारे हैं कौन। नदी किनारे बनाया था गोदाम, बह गया लाखों का सामान। सिवान में रातों रात दाहा नदी के तेज धार में समा गया 5 लाख के टेंट का सामान। छपरा में कोरोना पर नकेल कसने की तैयारी, महापर्व छठ पूजा में घर आए प्रवासी मजदूरों के लिए चलेगा विशेष टीकाकरण अभियान। मुजफ्फरपुर में दिखा 10 फीट लंबा अजगर, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू, बताया 14 केजी वजन था इसलिए करनी पड़ी मशक्कत। मुजफ्फरपुर में छठ को लेकर ट्रेन में यात्रियों की उमड़ी भीड़, टॉयलेट में पानी खत्म, गेट पर खड़े होने के लिए कई जगह आपस में भिड़े लोग। मुजफ्फरपुर में थाना से 100 मीटर की दूरी पर लूटपाट, आभूषण कारोबारी की चेन छीन रहे थे बदमाश, विरोध करने पर मारी गोली। पटना एम्स के पास पोखर में मिला शव, दीपावली की रात में लापता था व्यक्ति, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। जहानाबाद में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, घायल। दो गांव में विवाद को लेकर हुई गोलीबारी, छठ पूजा के लिए सामान लेने गया था युवक। खगड़िया में भूमि विवाद में मारपीट, चार घायल। जमीन पर रखे ईंट को हटाने गए लोगों पर पड़ोसी ने किया हमला, जमकर चले लाठी डंडे। छपरा में दो ट्रकों में भीषण टक्कर, दो की मौत, टक्कर के बाद अनियंत्रित हुई ट्रक, सड़क किनारे दुकान में सो रहे सगे भाइयों को कुचला। पहाड़ों पर बर्फबारी, बिहार में भी बढ़ेगी ठंड, गया में पड़ रही सबसे अधिक ठंड, अररिया अभी भी है गर्म, रात में और गिरेगा पारा,